नमस्कार, मेरा नाम फरहाना फातिमा है और मैं इस शो में शांति मिश्रा का कैरेक्टर निभा रही हूँ। इस शो के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये शो जो है वो दो परिवारों की कहानी है जो एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। ये शो हमारा बेस्ड है लखनऊ की स्टोरी पर। इसमें सब कुछ लखनऊ का है, लखनऊ का फ्लेवर है, हर एक बातचीत का अंदाज, लैंग्वेज से लेकर सभी चीज़ें लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। और लखनऊ क्या अपने उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, यूपी का फ्लेवर है इसमें का। और इसमें हम एक हवेली में शूट कर रहे हैं जो कि एक लाइव लोकेशन है बिल्कुल। इसकी खासियत ये है शो की कि ये शो जो है वो बिल्कुल एक लाइव प्लेस पे किया जा रहा है, यानी कि एक अभी तक हम सेट्स पे शूट करते आए हैं, हमेशा हर शो के लिए हमें सेट बनाना पड़ता है, लेकिन ये इसमें बहुत ही खास बात है कि हमें बिल्कुल वैसे ही हवेली मिल गई है यहाँ पे जिसमें हम शूट कर रहे हैं। और इस हवेली का नाम है 3/13, इस नंबर है इस हवेली का। और इस हवेली में दो परिवार रहते हैं, एक मिर्ज़ा परिवार, एक मिश्रा परिवार। और मिर्ज़ा परिवार जो है उसमें उनकी एक वाइफ है, दो बच्चे हैं, ऐसे ही मिश्रा परिवार है जिसमें वाइफ है और उनके 3 बच्चे। इस शो में मेरे कैरेक्टर का नाम है शांति मिश्रा, जो कि मिश्रा जी की वाइफ है, मिश्रा परिवार की बहू है। और ये कैरेक्टर मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि इस कैरेक्टर के लिए मैंने पहले ऑडिशन नहीं किया था। मैंने काफ़ी सारे ऑडिशन वैसे दिए हैं, लेकिन पहले मैंने सकीना के लिए भी ट्राई किया गया मुझे, फिर बाद में मुझे शांति के लिए ट्राई किया गया, और फिर शायद फाइनली चैनल को और सभी को ऐसा लगा कि मैं शांति मिश्रा में ज़्यादा परफेक्ट लग रही हूँ, तो उन्होंने मुझे इसके लिए कास्ट किया। और इसके लिए मैंने बहुत सारे ऑडिशन डाउन किए, बहुत सारे मॉक शूट्स हुए, बहुत सारे लुक टेस्ट हुए हमारे, तो बस यही प्रोसेस था। इस शो में जो मेरा कैरेक्टर है शांति, वो थोड़ा सा लाउड कैरेक्टर है, थोड़ी सी गुस्सैल है, जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको, और अपने हस्बैंड को थोड़ा सा दबा के रखती है और उन पे हावी रहने की कोशिश करती है, लेकिन साथ ही बड़ी मीठी सी नोकझोंक भी है जिसमें हस्बैंड भी पीछे नहीं है, वो भी कभी कभी जवाब दे ही देते हैं, और दोनों की आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्यार भी बन जाता है कभी कभी। तो इस तरह का कैरेक्टर है मेरा शांति का, जो कि बहुत ही अपनी नॉर्मल सोशल लाइफ से मिलता जुलता एक आम से परिवार का एक किरदार है। जब इस शो की हमने शूटिंग शुरू की तो काफ़ी उससे पहले हम बहुत सारे मॉक शूट्स और बहुत सारे ट्रायल्स कर चुके थे, लेकिन फाइनली बिल्कुल हम लोग बहुत प्रे कर रहे थे कि पता नहीं कब हमारा ये शो शुरू होगा। एंड वी आर सो एक्साइटेड, जब हमारा पहला एपिसोड हमने शूट किया, पहला दिन हमारा शूट पे था, तो बहुत ही खुशी हुई कि फाइनली हमारी सबकी इतनी मेहनत जो है वो सफल हो रही है और हम काम कर रहे हैं अपने शो में, और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो मेरे साथ प्लीज़ देखना मत भूलिएगा आप एन टीवी पर 30 मार्च से रात 9:30 बजे, सोमवार से शुक्रवार। और भाई क्या चल रहा है? हाय, मेरा नाम अमरीश बॉबी है और हम आपके सामने आ रहे हैं नए कॉमेडी शो में जिसका नाम है और भाई क्या चल रहा है, जिसमें मैं रमेश प्रसाद मिश्रा का किरदार निभा रहा हूँ। इस शो में दो फैमिली की कहानी है, मिर्जा और मिश्रा, जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं लेकिन उससे ज्यादा मोहब्बत भी करते हैं। इसमें आपको लखनऊ तहजीब, लखनऊ जायका सब देखने को मिलेगा। मैं खुद लखनऊ का हूँ इसलिए मुझे काम करने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा शो है। सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो तो आप जब शो हमारा शुरू होगा तभी देखेंगे, लेकिन इस बात की एश्योरेंस देता हूँ कि आपको बहुत मजा आने वाला है। अब मैं बताना चाहूंगा कि मुझे ये रमेश प्रसाद मिश्रा का रोल कैसे मिला। मुझे बताया मेरे दोस्त ने कि एक शो होने वाला है, उसके लिए ऑडिशन दे दो, तुम थिएटर डर करते रहते हो, अच्छे आर्टिस्ट हो, कर लो। मैंने कहा मैं तो बहुत समय से दे रहा हूँ लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। बोला नहीं, फिर भी ट्राई करते रहो, ट्राई करने में क्या है। तो फिर मैंने ऑनलाइन ऑडिशंस मांगे गए, तो मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिए जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। तो उसके लिए मैंने करीब 25-30 ऑडिशंस ऑनलाइन दिए, उसके बाद ऑफलाइन ऑडिशंस हुए 3-4, उसके बाद मॉक शूट हुआ, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं था कि ये रोल मुझे मिल जाएगा। बट ऊपर वाले की कुछ कृपा रही और मेरे ऑडिशंस, मेरे मॉक शूट्स हमारे डायरेक्टर्स को पसंद आए और उन्होंने मुझे इस रोल के लिए चुना। और ये जो रमेश प्रसाद मिश्रा का कैरेक्टर है, ये किस तरह से डिफरेंस है मैं आपको बताऊं कि और दूसरे कैरेक्टर से कैसे अलग होता है ये। तो ये घर में तो भीगी बिल्ली जैसा है, मतलब वाइफ के सामने आते ही उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है, पर जब वो बाहर जाता है अपने दुकान पर जाता है, उसकी पान की दुकान है, जब वो अपनी दुकान पर जाता है तो वो शेर है मोहल्ले में, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता, बट जैसे ही घर आता है, चाहे वो बीवी हो, चाहे बच्चे हो, उसके पिताजी हो, सबके सामने वो भीगी बिल्ली सा बन जाता है। हालांकि मुझे लगता है
रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता होगा, बट फिर भी बहुत अलग है, बहुत यूनिक कैरेक्टर है मिश्रा का। आपको बिल्कुल कभी कभी मिश्रा एकदम कार्टून लगने लगेगा, कभी लगेगा अरे बाप रे बाप कितना सज्जन आदमी है, फिर कभी कभी लगेगा अरे बदमाश तो है मतलब उसके मन में कुछ चलता है, बाहर कुछ चलता है, बट बहुत मजा आएगा इस कैरेक्टर को देखने में। बहुत यूनिक कैरेक्टर है और मुझे करने में भी बहुत मजा आ रहा है। पहली बार जब मैं शूट पर आया और तैयार हुआ, मेकअप वेकअप हो गया, उसके बाद वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब जब पहली बार मैंने शूट पे कैमरे को फेस किया तो आवाज आई रोल कैमरा एक्शन, तो पहले तो बड़ा नर्वस हुआ, बट हमारे जो इम्तियाज सर जी हैं डायरेक्टर हैं इस शो के, उन्होंने हमें बहुत कंफर्टेबल किया हमारे को आर्टिस्ट के साथ में, खुद अपने साथ में बोले बिल्कुल फ्री कर दिया हमें कि जो तुम्हें आता है तुम वैसा करो, जितना नेचुरल करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो एक अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इम्तियाज सर ने, डायरेक्टर साहब ने मुझे इतनी छूट दे दी है, तो मैं अपने तरीके से काम करूंगा, और किया और उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, उनसे बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिली। हालांकि मैंने थिएटर किया उसमें बहुत कुछ सीखा, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और इम्तियाज सर से तो सीखने में बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिली कि किधर जाना है, कितना जाना है, क्या एंगल है, कितना फ्रेम है, बहुत कुछ सीखा, बहुत मज़ा आया। मतलब इस करेक्टर को करने में इम्तियाज सर के साथ में एक अलग ही आनंद रहा। हमारा नया शो आ रहा है और वही क्या चल रहा है, 30 मार्च से सिर्फ NTV पर, मंडे टू फ्राइडे 9:30 बजे, तो देखना ना भूलिएगा। और वही क्या चल रहा है, हाय माय नेम इज आकांक्षा शर्मा, और भाई क्या चल रहा है, आपके लिए एक जल्द शो लेकर आ रहे हैं, और इस शो के बारे में बताना चाहूंगी, ये एक कॉमेडी जोनर का शो है और इसमें आपको बहुत ही रियलिस्टिक चीजें देखने को मिल रही है, क्योंकि ये खुद एक रियलिस्टिक जोन, रियलिस्टिक शहर, रियलिस्टिक जगह पर बेस्ड है और वहीं पर ये शूटिंग की जा रही है। लखनऊ में हम इसे शूट कर रहे हैं और एक रियलिस्टिक हवेली जो आपको शो में देखने को मिलेगी उसमें हम ये शूटिंग कर रहे हैं। ये शो दर्शाता है यहाँ की लखनऊ की जो सभ्यता है, गंगा और जमुना सभ्यता के बेस पर ही पूरा शो है, जिसमें दो परिवार एक ही छत के नीचे रहते हैं, और आप देखिएगा जरूर इस शो के बारे में। आधा वर्जे हजूर, हम हैं सकीना और हम इस शो में सकीना का किरदार प्ले कर रहे हैं, जो कि एक मुस्लिम किरदार है। हमें बड़ा मजा आ रहा है ये किरदार प्ले करने में, क्योंकि लगभग ये हमारा जो असली शख्सियत है उसी से मिलता जुलता मेल खाता हुआ किरदार है। और सकीना ऐसी है कि अपने में रहती है, साज सज्जा और संवारने का खुद को बहुत शौक है। हाँ, एक बात बहुत बड़ी खास बात है इस लड़की की कि ये अपने शौहर को उंगलियों पे नचाना बड़ी अच्छी तरह जानती है, क्योंकि खूबसूरती का फायदा कैसे उठाया जाता है ये इसको अच्छे से आता है। हाँ, इस शो को हमें कैसे मिला ये एक क्वेश्चन है, तो इसको हम बताना चाहेंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ मेहनत की है, ऑडिशन दिए हैं, उसी के जरिए हमने ये मुकाम हासिल किया है और हम बेहद खुश हैं। तो इसी के साथ, आप ये शो ऑन एयर हो रहा है 30 मार्च से, और भाई क्या हमारा किरदार कैसे अलग है, एक्चुअली हम कहना चाहेंगे बहुत अलग है, क्योंकि सकीना जो है वो मीठी छुरी है, अपने तरीके से काम निकलवाना उनको बखूबी आता है। किसी को भी अगर आंखें भर के प्यार से देख ले तो वो वैसे ही कायल हो जाता है। इनके शौहर की बात करें, अगर इनको चाय बनाने के लिए एक बार कह दे और इनको देरी हो रही है दुकान पर जाने के लिए, और सकीना बोल दे कि एक बार मियाँ चाय तो दे दीजिए, इतना बोलने की जरूरत नहीं, खाली इतना बोलेंगे मियाँ चाय तो बना दीजिए, और ये सब काम छोड़ के बेचारे चाय के लिए लग जाएंगे। तो इस तरह की हमारी सकीना। लेकिन हाँ, शांति क्या है, शांति करना चाहती है हंटर चला के काम, और वो कर भी लेती है। तो ये इस तरह से किरदार थोड़ा सा अलग हुआ, क्योंकि ये है मीठी छुरी और वो है एक होता है ना कि छड़ी पे घुमाऊंगी तो सारे काम हो जाएंगे, तो वो चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी पहले दिन शूट कर रहे थे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा नर्वस तो था ही, क्योंकि हमारे किरदार में चैलेंजिंग पॉइंट ये है उर्दू अल्फाज, जो कि हमने यहीं आके करेक्ट किए हैं, यहीं आके सीखे हैं। अदबो अदब, तहजो तबीज, जो भी तमीज, जो एक तरीके से एक रिस्पेक्ट देना होता है, लोगों से बात करना होता है, वो हम यहीं आके हम थे, लेकिन इतनी तहजीब, इतने अदबो अदब हमारे अंदर बिल्डअप नहीं था, एक ब्लड में नहीं था, तो उसके लिए बहुत वर्कआउट किए हैं। तो इसलिए हमारे लिए चैलेंजिंग था, इसलिए नर्वस थे, पर टच वुड डायरेक्टर्स, टीम, पूरे DOP, जितने भी हमारे कास्ट क्रू, जितने भी लोग मेंबर्स हैं, जितने हमारे कॉस्ट्यूम्स वाले, सब लोग हमें इतने सपोर्टिव मिले, जो हमें एक पुश देते गए और हम आगे चले गए। तो लकीली आप
ये शो आ रहा है और जल्द ही हमसे आप मिलने ज़रूर आइएगा 30th मार्च NTV पर 9:30 सोमवार से शुक्रवार ओनली ऑन NTV पर। और भाई क्या चल रहा है देखना ना भूलिए। खुदा हाफिज़। हाय मेरा नाम पवन कुमार सिंह है और हमारा एक शो आ रहा है और भाई क्या चल रहा है NTV पर 30 मार्च से सोमवार से शुक्रवार 9:30 जरूर देखिए क्योंकि इस शो में कुछ अलग है। ये शो लखनऊ में शूट हो रहा है, लखनऊ अंदाज है इस शो में और इस शो में एक हवेली है जिसमें दो पड़ोसी रहते हैं, एक मिश्रा एक मिर्जा। अब जब पड़ोसी रहते हैं तो नोकझोंक भी होती है, मोहब्बत भी होती है, तो वो देखने में जो मजा आता है ना वो आपको हमारे शो में जरूर मिलेगा क्योंकि दोनों लोग अलग अलग हैं। एक की पान की दुकान है जो सोचता है कि मेरी बहुत अच्छी दुकान है, एक की चाय की दुकान है वो भी ये सोचता है मेरी अच्छी दुकान है, तो उन दोनों की दुकानें भी आमने सामने है और पड़ोसी भी हैं, तो ये कुछ अलग मिलेगा आपको। इसमें लखनवी तहजीब मिलेगी, गंगा जमुना की आपकी जो तहजीब है लखनऊ की वो मिलेगी, थोड़ा जायका मिलेगा, लखनवी अंदाज आपको पूरा देखने को मिलेगा क्योंकि रियल हवेली में शूट हो रहा है ये, यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल सेट नहीं है, ये रियल हवेली है। तो जो एक्सपीरियंस है लखनवी का, सारे आसपास का जो लोग हैं वो सारे लखनवी है, तो एक बार देखिए बहुत अच्छा शो है, कुछ अलग शो है। हाँ मैं इसमें कैरेक्टर कर रहा हूँ जफर अली मिर्जा का, जिसकी एक चाय की दुकान है, जो एक लखनऊ का रहने वाला बंदा है जो एक हवेली में रहता है, नवाब है ये अपने आप को नवाब समझते हैं और इनकी एक बेगम है जिनसे ये बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो बेसिकली ये बाहर एकदम शेर है और घर में अपनी बेगम की मोहब्बत की वजह से भीगी बिल्ली बन जाता है, उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता बिकॉज वो उसको बहुत प्यार करता है और बाहर ये शेर है, बाहर नवाब साहब वाला स्टाइल है, घर में थोड़ा नवाब साहब डाउन हो जाते हैं। बेसिकली ये कैरेक्टर है मिर्जा का। हाय मुझे ये कैरेक्टर मिला था, एक्चुअली मैं मुंबई में था तो मुझे कास्टिंग पर्सन का फोन आया कि कैरेक्टर है उसका आप ऑडिशन बना के दीजिए, तो मैंने बना के दिया था मिश्रा का ऑडिशन, तो उनको मेरा ऑडिशन मिश्रा का पसंद आया था क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट मिश्रा की मिली थी। थोड़ी एक दिन बाद मुझे आया कि आपका लुक मिर्जा पे जा रहा है तो आप मिर्जा का ऑडिशन दे दिए, फिर मैंने मिर्जा का ऑडिशन दिया क्योंकि वो थोड़ा टफ था मेरे लिए बिकॉज मुझे उर्दू के वर्ड थोड़े ज्यादा सीखने को मिले, थोड़ा कैसे उर्दू बोली जाती है वो तहजीब मुझे सीखने को मिली, तो वो थोड़ा टफ था लेकिन मजा आ रहा है इसको करने में मिर्जा के कैरेक्टर, तो ऐसे मिला। एक्चुअली फर्स्ट डे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था यहाँ पे क्योंकि मैं आया था यहाँ पे लखनऊ में, तो मैंने देखा कि यहाँ पे सेट का है, सेट नहीं था एक रियल हवेली थी। हम बेसिकली जो शूट करते हैं वहाँ पे एक सेट होता है जो नकली हवेली बनी होती है, नकली पुलिस स्टेशन बना होता है, नकली घर होता है, बेसिकली सब नकली होता है, बट यहाँ पे रियल लोकेशन थी, रियल हवेली थी, तो हमें रियल हवेली में वो एक्सपीरियंस के साथ जो हमने शूट किया है कि हम हवेली में रहते हैं, अभी भी देखिए हम किसी कमरे में बैठे हैं, ये रियल हवेली का कमरा है जो मेकअप रूम है, तो ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है कि आप एक रियल घर में शूट कर रहे हैं, बाहर निकलते तो रियल लखनऊ आपको दिखता है, बगल में चाय की दुकान है, पान की दुकान है, खाइए लखनऊ का मौज उड़ाइए, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए और अलग है कुछ। तो जनाब हम आ रहे हैं आपसे मिलने 30 मार्च को 9:30 सोमवार से शुक्रवार NTV पे और भाई क्या चल रहा है शो में, तो जनाब हमारा शो जरूर देखिएगा क्योंकि हम हैं जफर अली मिर्जा, आपसे मिलेंगे 9:30 30 मार्च को।